पहले भी कह चुकी हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार है वो ना लॉ एंड ऑर्डर पे ध्यान दे रही है, ना हमारी बच्चों की स्वास्थ्य और शिक्षा में ध्यान दे रही है, ना युवाओं के रोजगार पे ध्यान दे रही है, ना किसानों की जो गाय की समस्या है, जो नील गाय की समस्या खास तौर पे अब देखी जा रही है उस पर ध्यान दे रही है। लगातार इसमें गिरावट आ रही है और लोग बहुत ही उदासीन हैं। मैम, दो हत्याएं जिस तरीके से, एक तो अतीक वाला मामला रहा हो या लखनऊ जहां राजधानी है, सबसे ज्यादा यहां शासक से लेके सब कुछ वही मौजूद रहता है। बिना शासन और प्रशासन के इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जा सकता है। मेरा पूरा मानना है कि इसमें शासन और प्रशासन की अहम भूमिका रही है और हम सब जो यह हुआ है, एक हिंदू होने के नाते जिस तरह का हम ये देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में, मैं इसी कड़ी निंदा करती हूँ। भाजपा खाली चरित्र हनन करना जानती है और वह इस तरह की बातें कह के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर सीधे प्रहार करती है और मैं नहीं समझती उत्तर प्रदेश में कोई भी और ऐसा नेता है जो जनता से डायरेक्ट संपर्क बना रहा है, जो लगातार जनता के बीच में जा रहा है, जो हर विधानसभाओं में घूम रहे हैं और लगातार लोगों की परेशानियों से लोग आ रहे हैं उनके पास अपनी परेशानियां बताने। और उत्तर प्रदेश की जो हालत है, बिजली की हालत आप देख लीजिए आज क्या है, पेट्रोल की कीमतें देख लीजिए, सिलेंडर के दाम देख लीजिए और कानून व्यवस्था लगातार उत्तर प्रदेश में महिलाओं के साथ उत्पीड़न बढ़ रहा है। लगातार जब से भाजपा का शासन आया है लगातार महिलाओं हमारी बेटियों को उत्पीड़न बढ़ता जा रहा है आज अपने संसदीय, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो संज्ञान ही नहीं ले रही इन मामलों का। जब सरकार संज्ञान ही नहीं लेगी, जब सरकार एक्सेप्ट ही नहीं करेगी तो उस पर वो क्या राह निकालेगी। किसानों की जो आप बात कर रहे हैं, पूरा भारत देश उनके साथ खड़ा है क्योंकि मुझे लगता है कि वह सही है। मेरी अपनी यह राय है और जो भी न्यायालय द्वारा प्रक्रिया होनी चाहिए वो हो रही है। FIR हुई है और मैं समझती हूँ FIR के दम पे अब भाजपा को इस पे कदम आगे बढ़ाकर जो निर्दोष है उनके साथ खड़े होकर और जो दोषी है उनके साथ कार्रवाई करनी चाहिए। यहाँ पे और यहाँ पे दलितों की जमीन पे लगातार कब्जे हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा था कि यहाँ की अगर रिश्ती उठा के देखी जाए तो ज्यादातर यहाँ के बीजेपी के लोग घूम आपके निकलेंगे। आप लगातार भाजपा की सरकार जब से आई है हमारे दलित भाई बहनों पे, हमारे पिछड़े वर्ग को उत्पीड़न के मामले लगातार बढ़े हैं और महिलाएं भी इन उत्पीड़न मामलों से बची नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि भाजपा को इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए, लेकिन यह सरकार ऐसी सरकार है जो बातों का संज्ञान ही नहीं लेगी। मैम, लगातार समाजवादी पार्टी जाति जनगणना में हत्या हो रही है। अगर आप NCV के आंकड़े निकाल लेंगे जब से भाजपा की सरकार आई है तब से आप देखेंगे कि लगातार क्राइम के मामले बढ़े हैं, लोगों के उत्पीड़न के मामले बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है। तो यह सब चीज़ें जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ती जा रही हैं और रोज़गार घटे हैं, जहां बेटियों को आगे बढ़ चढ़ के घरों से निकल के काम करना चाहिए वो घटा है, जहां शिक्षा का सवाल है, स्वास्थ्य का सवाल है, सभी सेवाएँ जो और अच्छी होनी चाहिए थी वो घटी हैं। तो मेरा मानना है कि यह सरकार जो कहती है वो करती नहीं है और जो करती है वो कहती नहीं है। समाजवादी पार्टी लगातार जाति जनगणना की बात करती है जबकि भाजपा जाति जनगणना से दूर भाग रही है। क्या इनको डर है कि 2024 में अगर जाति जनगणना हो जाएगी तो हमारा जो काला चक्कर? मेरा मानना है कि सबको हक और सम्मान मिलना चाहिए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और सभी का अधिकार है सभी रिसोर्सेज पे और सबको हक सम्मान मिलना चाहिए और समाजवादी पार्टी पक्ष में है जातिगत जनगणना।